साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार चियान विक्रम की नई फिल्म कोबरा सिनेमाघरों में आ चुकी है। यह एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म है जो कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में रिलीज की गई है। इस मूवी को हिंदी भाषा में नहीं रिलीज किया गया, तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको सिनेमा में ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। हिंदी लैंग्वेज में ना होने के कारण काफी थिएटर्स में आपको ये मूवी देखने को भी नहीं मिलेगी। इस फिल्म में विक्रम सर ने अलग अलग किरदारों को निभाया है। फिल्म को रिटन और डायरेक्ट किया है आर अजय ज्ञान मुथु ने। इसके प्रोड्यूसर हैं एस एस ललित कुमार और म्यूजिक कंपोजर हैं ए आर रहमान। विक्रम एज ए कोबरा एक मैथमेटिशियन जीनियस है जो फिल्म में माथी कोबरा के नाम से जाना जाता है, जो मैथ का उपयोग करके क्राइम करता है और अपने आप को अलग अलग रूपों में बदलता रहता है ताकि कोई उसे पकड़ और पहचान ना सके। इरफान पठान ने प्ले किया है असलान का रोल। असलान जो कि एक इंटरपोल ऑफिसर है, इनको कोबरा को पकड़ने का मिशन दिया गया है। श्रीनिधि शेट्टी ने प्ले किया है भावना मेनन का रोल। श्रीनिधि विक्रम से बेहद प्यार करती है और बाद में यह दोनों एक दूसरे से शादी भी करते हैं। और भी स्टार कास्ट जैसे रोशन मैथ्यू आपको ऋषि के रोल में नजर आएंगे और मीनाक्षी जो कि आपको जूडिथ सैमसन के रोल में नजर आएंगी। कोबरा मूवी रिवेंज स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें कोबरा बदला लेता है अपने दुश्मनों से जिसने उसको अतीत में तकलीफ दी है। कहानी की शुरुआत होती है दो हत्याओं से। लोगों को पता है कि यह कोबरा ने की है, लेकिन कोबरा कौन है यह किसी को भी नहीं पता। कोबरा लोगों की हत्या अपने अलग अलग रूप बदलकर करता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब कहानी में एंट्री होती है असलान की जो कि एक इंटरपोल ऑफिसर है। इनको कोबरा को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। तो आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। कोबरा हत्या करने के लिए अपने रूप को बदलता है। कई किरदारों में तो आप विक्रम सर को पहचान ही नहीं पाओगे। अच्छे या बुरे लोगों को मारने के लिए कोबरा मैथ्स का यूज करता है। इंटरवल के बाद आपको बहुत बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। विक्रम सर की एक्टिंग तो लाजवाब है, लेकिन उसके साथ साथ आपको म्यूजिक, प्रोडक्शन क्वालिटी, लोकेशन और मेकअप सब काफी बढ़िया है। मूवी में मैथ्स का काफी ज्यादा उपयोग किया गया है जिसमें काफी दर्शकों को कहानी समझ में ही नहीं आएगी। मूवी की लेंथ 3 घंटा 3 मिनट की है जो कि काफी ज्यादा है। कहानी में विक्रम और श्रीनिधि की लव स्टोरी को भी थोड़ा ज्यादा खींच दिया गया है, उसको कम किया जा सकता था। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। फैंस मूवी देखने के लिए हिंदी डब का वेट करेंगे और इससे फिल्म के कलेक्शन पर काफी ज्यादा असर होने वाला है। एक्शन और थ्रिलर के मामले में ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट है और मूवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं इसको रेट करूंगा 8/10।